बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुमा मुबारक सबको। मौला का कौल, तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। मौला का कौल, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ़ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद रखा करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे इतना ही दूर कर देती है। दो मुखलिस दिल, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान। अल्लाह कभी दो मुखलिस दिलों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर करे कर दे उस पर सब्र करो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात को हल करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान को दुआएं ही हैं इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इंसान के नसीब में भी नहीं लिखा होता। मौला का फरमान, अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर किया करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा ही ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत ही कम होते हैं। वीडियो के इस दुआ के साथ एंड करते हैं। ए मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। या अल्लाह, ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाले हों और दूसरों को देने वाले हों। आमीन या रब्बिल आलमीन। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारी दिल और हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दीजिएगा। आमीन। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में पॉइंट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग करते हो, बेल आइकॉन को टच नहीं करते। काइंडली बेल आइकॉन को ज़रूर भी टच किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।